मेरा टाइम तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो देखो कल हमने कॉमन बेस भी देखा था और कॉमन कैटेगरी भी देखा था। सो कॉमन बेस में कुछ फॉर्मूले हमने देखे थे और कॉमन इमिटर में भी देखे थे। सो कॉमन बेस में क्या होता था, आपका वी इनपुट किसके बराबर होता था, वीबीई के, है ना। और कॉमन इमिटर में वी इनपुट किसके बराबर होता था, बोलो, वीबीई होता होगा, दोनों में सेम ही होता है। ये होता था वीईई माइनस आईई आर एफ, यस और नो। हाँ, और ये होता था वीबीबी माइनस आईबी आर एफ, इजंट इट, होता था ना ऐसे। हाँ, हाँ सर, ओहो वी आउटपुट होता था यहां पर वी सी बी, और ये क्या होता था, वी सी सी माइनस आई सी आर एल। यहां पर भी वी आउटपुट क्या हो जाएगा, वी सी ई, क्या हो जाएगा, ये सेम वी सी सी माइनस आई सी आर एल। यहां पर होता था अल्फा का फॉर्मूला, क्या होता था अल्फा का फॉर्मूला, आई सी अपॉन आई बी, सॉरी आई ई। और यहां पर बीटा होता था आई सी अपॉन आई ई आई बी। उसके बाद यहां पर वोल्टेज गेन होता था अल्फा इंटू आर आउट अपॉन आर इनपुट। और यहां पर क्या होता था, बीटा आर आउट अपॉन आर इन। हाँ, बीटा आर आउट अपॉन आर इनपुट। यहां पर एपी होता था अल्फा स्क्वायर आर ओ अपॉन आर इन, और यहां पर एपी क्या होता था, बीटा स्क्वायर अपॉन आर ओ अपॉन आर इन। यहां पर कोई फेज डिफरेंस नहीं आता था, नो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता यहाँ पर। लेकिन यहां पर फेज डिफरेंस आता है पाई का, फेज डिफरेंस ऑफ पाई बिटवीन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। यानी कि आउटपुट अगर प्लस साइन, सॉरी इनपुट अगर प्लस साइन है तो आउटपुट क्या होगा, माइनस साइन। अरे समझ रहे हैं आप, अगर इनपुट ऐसा है ओके तो आउटपुट कैसा होगा, बिल्कुल रिवर्स फेज में होगा। पूछ लेता है वो भाई, डायरेक्ट पूछता है इसलिए बता रहा हूं। तो यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आता है कौन से में, कॉमन इमिटर में। ज्यादा अच्छा एम्पलीफायर कौन है, कॉमन बेस या कॉमन एमिटर? कॉमन कॉमन एमिटर। एमिटर ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका बीटा ग्रेटर देन वन आता है, जबकि अल्फा क्या आता है, लेस देन वन आता है। तो ये ज्यादा अच्छा है कॉमन एमिटर। यहां पर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा देख लेते हैं हम लोग, अल्फा और बीटा का रिलेशन। अच्छा, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा ट्रू होता है, कौन सा वाला यूनिवर्सल फॉर्मूला, I आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हमेशा ही ट्रू है। ये कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है ट्रांजिस्टर के, टोटल छे 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 कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा लगता है सिर्फ जीए ही पढ़ रही है, बाकी सब सब ऐसे आ रहे हैं हवा खाने इधर। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, छे कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड है, ये सबके लिए वैलिड है ना। अब देखो मैं एक रिलेशन यहाँ पर आपके सामने डिराइव करता हूँ, आप देखिएगा कितना मजेदार है। आप क्या कर दो, यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, आईसी से डिवाइड करो इसको, आईसी से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड विद आईसी, आईसी से डिवाइड करो, क्या बनेगा, आई ई अपॉन आईसी इज इक्वल टू
आई बी अपॉन आई सी प्लस वन, यस और नो? यस सर। क्या इसको क्या लिख सकते हैं आई ई अपॉन आई सी को? वन अपॉन अल्फा है? हाँ। और इसको वन अपॉन बीटा, बीटा ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इसको फर्दर 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 सोल्व करो, तो इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो बहुत आसान आ जाता है। वन अपॉन अल्फा आ जाता है बीटा प्लस वन अपॉन बीटा, सो अल्फा क्या आ गया बीटा अपॉन बीटा प्लस वन। तो कभी आपको अल्फा देके क्या पूछेगा बीटा, या बीटा देके क्या पूछेगा अल्फा? आप चाहें तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से बीटा भी निकाल सकते हैं। सो वन अपॉन बीटा हो जाएगा वन अपॉन अल्फा माइनस वन, सो बीटा हो जाएगा अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों रिलेशन, ये दोनों ही रिलेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अल्फा को भी करंट गेन बोलते हैं, बीटा को भी करंट गेन बोलते हैं। ये करंट गेन किसमें है? सीबी में, यानी कि कॉमन बेस के लिए है। और बीटा किसके लिए करंट गेन है? कॉमन एमिटर के लिए। तो ये याद रखना, ठीक है? ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और चर्चा करेंगे। और किसकी चर्चा करेंगे सर हम आज? आज हम चर्चा करेंगे इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम कॉमन इमिटर ही पढ़ेंगे, ठीक है? जो भी सब करेंगे किसके साथ करेंगे? कॉमन इमिटर के साथ। अभी कॉमन इमिटर ही चलेगा, है ना? कॉमन बेस नहीं करने वाले, क्योंकि उसका अच्छा ट्रांजिस्टर और ट्रांसफॉर्मर में क्या अंतर है? ट्रांजिस्टर भी एम्पलीफाई करता है और ट्रांसफॉर्मर भी एम्पलीफाई करता है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रांसफॉर्मर में एसी और डीसी नहीं करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मर आपके घर पर एसी आ रहा है या डीसी आ रहा है बोलो? एसी आ रहा है ना, और जो पोल्स पर लगे हुए हैं वो ट्रांसफॉर्मर ही तो हैं, सो ट्रांसफॉर्मर से ही तो आ रहा है। सो ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट एसी है या डीसी? एसी। सो ट्रांजिस्टर भी क्या करता है? ट्रांजिस्टर और ट्रांसफॉर्मर में बेसिक डिफरेंस क्या है ना, ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर कभी भी पावर एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकता है, यानी कि पावर गेन नहीं आएगा उसमें, पावर लॉस ही आ सकता है, या फिर आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए पावर बराबर आ सकता है, पी इनपुट बराबर पी आउटपुट। लेकिन ट्रांजिस्टर भाई साहब पावर गेन भी ला सकते हैं, यानी कि पावर एम्प्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। कौन? ट्रांजिस्टर्स। लेकिन क्या है ना, ट्रांजिस्टर को बड़े लेवल पे यूज नहीं किया जा सकता है, ट्रांजिस्टर छोटे लेवल पे यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मतलब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में, जबकि ट्रांसफॉर्मर को एक बड़े स्केल पे लगाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसको ज्यादा करंट दिया तो वो टूट जाएगा, जबकि ट्रांसफॉर्मर तो कंडक्टर से बनता है, तो उनको ज्यादा करंट दिया तो भी चलता है। सो दोनों के ही प्रोस भी हैं कॉन्स भी है। सो ट्रांसफॉर्मर का कॉन्स क्या है? ट्रांसफॉर्मर का कॉन्स क्या हो जाएगा कि ये पावर गेन नहीं ला सकता, नहीं करता। लेकिन इसका प्रो क्या होगा? इसको बड़े बड़े लेवल पर हम लोग यूज कर सकते हैं, बड़े बड़े लेवल पर यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर का प्रोस क्या हो जाए, सॉरी ट्रांजिस्टर का प्रोस क्या होगा? इससे हम पावर गेन भी ला सकते हैं, लेकिन इसका कॉन्स क्या हो जाएगा ट्रांजिस्टर का? बड़े लेवल पे यूज, बड़े लेवल पे नहीं लगा सकते, इसको छोटे लेवल पे लगा सकते हैं। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं और बुक में भर भर के दिया है सब। तो मेरी आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ, मॉडर्न फिजिक्स, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा ना आपने तो जिंदगी खराब हो जाएगी फिजिक्स में, आपकी थ्योरी नहीं बनेगी आपसे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे याद आ रही है, मैं बता रहा हूँ, बट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, याद रखिए भाई। तो देखो, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है किसका? कॉमन एमिटर का। तो पहले हम क्या करेंगे, कॉमन एमिटर का फिर से क्या बना लेंगे, एक
सर्किट बना लेंगे। कल वो आपने डायग्राम देखे थे खतरनाक वाले, आई होप उनको आप याद कर लेंगे अच्छे से। सुमिक बना रहा हूँ कॉमन इमिटर, कॉमन इमिटर में ऐसे बना देता हूँ, ऐसे बनता है ना कॉमन इमिटर तो। हाँ तो ये कॉमन इमिटर है, किधर ई है, किधर बी है और किधर सी है, ये ई है नीचे, ई बी और ये सी, ऐसे हैं। और फिर किस कौन से बायस को कौन सा करने का है, कौन से जंक्शन को कौन सा करने का है, एनपीएन लेते हैं हम लोग तो हमेशा, ईबी को फॉरवर्ड और सीबी को रिवर्स, सीबी को रिवर्स, सी को नहीं, सीबी को रिवर्स, ईबी को फॉरवर्ड, सीबी को रिवर्स में लगाते हैं हम लोग हमेशा, ऐसे हमको ध्यान रखना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहें तो बस अब तो क्या करना है आगे, सर्किट में कुछ कुछ रेजिस्टेंस वगैरह लगा देंगे हम लोग और बाइसिंग कर देंगे, राइट। सो ये पी को किससे जोड़ने का, पॉजिटिव से, और यहां पर एन को किससे जोड़ने का, पॉजिटिव से। बैटरियों के नाम कैसे देते हैं, जिससे जुड़े उसको, जिससे जुड़ा है उसको, वीबीबी और वीसीसी। करंट आईई ऐसे जाएगा तो आई बी ऐसे जाएगा, आई सी ऐसे जाएगा, ये कौन सा जंक्शन है, ईबी जंक्शन, ईबी जंक्शन, इनपुट जंक्शन, ईबी जंक्शन है ये। सो ये वीईबी मिलेगा यहां से आपको, इनपुट जंक्शन है, और ये कौन सा जंक्शन है, ये सी जंक्शन है। सी जंक्शन में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वीसीई मिलेगा। तो फॉर्मूले तो हमको पता ही है, वी बी ई या वी ई बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वी बी बी माइनस आई बी आर एफ, और वी सी सी क्या आ जाता था बेटा, सॉरी वी सी ई क्या आ जाता था, वी सी सी माइनस आई सी आर एफ, इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है देखते हैं हम। आप चाहे ना तो यहां पर इसको ऐसे भी बना सकते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए, वैसे तो जरूरत तो नहीं है पर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ऐसे आसान बन जाता है। ये ई, ये बी और ये सी, किसको कॉमन कर दो, ई को कॉमन कर दो, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, E को कॉमन करना है आपको। so, मैंने E को कॉमन कर दिया है। सो एनपीएन ले रहे हैं हम तो, सो P को पॉजिटिव से, N को अपने आप नेगेटिव से हो जाएगा, इधर N को पॉजिटिव से नेगेटिव से हो जाएगा, ये हो जाएगा बैटरी का नाम VBB और ये हो जाएगा कौन सा VCC। करंट P से N की तरफ IE, इधर IC और इधर इधर कौन सा IB। तो यहां से यहां तक जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका, ये कौन सा है, EB है ना, ये तो VBE या VEB, और यहां से यहां तक कौन सा वोल्टेज होगा VCE, और अगर ये वोल्टेज निकाले तो कौन सा होगा VCB, ये C और B का है ना। अरे हाँ। तो यहां से क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, VCE बराबर VBE प्लस VCB, लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ। ऐसे लिख सकते हैं, यहां से नहीं लिख सकते थे ऐसे, यहां से लिख सकते हैं कि VCE, क्या VCE V आउटपुट है हमारा। हाँ। तो वी आउटपुट हमारा क्या हो सकता है, वी बी ई प्लस वी सी, और वी बी क्या है, वी इनपुट है,
तो वी इनपुट में कुछ ऐड हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो एम्प्लीफिकेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ हुआ। यही तो एम्प्लीफिकेशन मतलब क्या, वी आउटपुट बड़ा आना चाहिए ना वी इनपुट से, तभी तो एम्प्लीफिकेशन कहेंगे, नहीं तो फिर क्या मतलब आ रहा है। सो वी सी भी एक्स्ट्रा एड हो जाता है। चलो साहब, अब इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे हम, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। सो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या है ना, ग्राफ है बेसिकली, किस किस के बीच का, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, यानी कि प्लॉट बिटवीन इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। क्या क्या है इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज कॉमन इमिटर के लिए? ये आई बी है, और ये VBE है, yes or no? Yes. तो इनमें ग्राफ हमको निकालना होता है। So, यहां पर एक चीज का ध्यान दिया जाता है, कीपिंग V आउटपुट कॉन्स्टेंट, यानी कि VCE को क्या रखना होगा आपको, कॉन्स्टेंट रखना होगा। VCE को कॉन्स्टेंट रखते हुए आपको ग्राफ प्लॉट करना है, किस किस के बीच में, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो इधर आ जाएगा आई बी और इधर क्या आ जाएगा, VBE। तो आप मुझे बताओ इनपुट जंक्शन जो है कौन सा जंक्शन है, इनपुट जंक्शन का नाम बताओ, कॉमन एमिटर के लिए इनपुट जंक्शन कौन सा है, VEB। कौन सा है, VEB। और EB जंक्शन किस में होना चाहिए, हमेशा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, यानी कि इसका ग्राफ बिल्कुल किसके जैसा आ जाएगा, बिल्कुल किसके जैसा आ जाएगा, एकदम फॉरवर्ड बायस के जैसा आ जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल फॉरवर्ड बायस जैसा है, क्योंकि हमको पता है ईबी जंक्शन कौन से बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। ये कौन सा वोल्टेज होता है, नी वोल्टेज। जब तक वी इनपुट का वैल्यू नी वोल्टेज से कम है कुछ करंट मिलेगा क्या, नहीं, आई बी जीरो, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा। आई बी जीरो तो वी इनपुट जीरो या वीबीबी के बराबर, वीबीबी के बराबर। सर ये कहां से आया, ये यहां से आया, आई बी को जीरो करेंगे तो क्या वीबी किसके बराबर मिलेगा, वीबीबी के बराबर मिलेगा आपको, कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो ये जब ऐसे करंट फ्लो नहीं होता है तो इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कौन सा रीजन है ये, कट ऑफ रीजन, याद रखेंगे रीजन का नाम, कट ऑफ रीजन कहते हैं इसको। क्योंकि नी वोल्टेज को क्रॉस नहीं करेंगे तो फिर ईमीटर में से बेस में कैसे जाएंगे चार्ज करियर, डिप्लेशन लेयर है ना उधर, तो है या नहीं है, है डिप्लेशन लेयर अगर है तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा ना, और पोटेंशियल बैरियर के बराबर आपको पोटेंशियल तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके पहले कौन सा रीजन होगा, कट ऑफ रीजन। और बाद में तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वी इनपुट बड़ा होगा किससे, नी वोल्टेज से, तो करंट कैसे बढ़ेगी, धीरे धीरे या तेजी से, तेजी से, तेजी से करंट बढ़ती है, फिर तेजी से करंट बढ़ जाती है, यानी कि आई बी इंक्रीजेस तेजी से, मतलब रेपिडली है, रेपिडली बढ़ती है, रेपिडली बढ़ती है, क्योंकि बेस में चले जाएंगे ना फिर इलेक्ट्रॉन्स, तो बेस के बेस। अच्छा आई बी किस रीजन से आता था, मैंने बताया था आपको, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिटिंग आई बी, रिकॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और होल के बीच में। देखो ये सब थ्योरी चीजें हैं, अभी मैं रिपीट करता रहूंगा, लेकिन आपके खोपड़ी में घुसना चाहिए वो, तभी उसका मजा है। तो आई बी रेपिडली इंक्रीज करेगा, तो आई बी किस में आता है, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में आता है। माइक्रो, कोई पूछे माइक्रो में क्यों आता है, तो आप क्या रीजन देंगे उसको, थोड़े ही होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर रहे, हाँ थोड़े ही होल और थोड़े इलेक्ट्रॉन, क्योंकि छोटा है ना, एक तो बेस छोटा रखा आपने, और दूसरा जो है आपने उसको डोपिंग भी कम दिया, छोटा भी रख दिया
मतलब अत्याचार पे अत्याचार कर दिया आपने बेस के ऊपर, एक तो पहले छोटा रखा है ना, और फिर उसको डोपिंग भी नहीं किया अच्छे से, तो ज्यादा कैसे मिल जाएगा आईवी आपको, रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं ज्यादा, तो माइक्रो एम्पियर में मिलता है। लेकिन यहाँ पर वही बात है, किसको कॉन्स्टेंट रखा गया है, किसको कॉन्स्टेंट रखा गया है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे कॉन्स्टेंट रखते हैं, तब ये ग्राफ ऐसा आता है। यानी कि VCE को क्या रखा है, कॉन्स्टेंट रखा, लेट्स से 10 वोल्ट रखा आपने VCE को। अब VCE को वेरी करते हैं हम लोग तो क्या होता है, VCE को वेरी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, देखो चलो VCE को वेरी करते हैं, तो VCE को वेरी करने से क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर, ये बहुत ही मजेदार है एक्चुअली कि VCE को वेरी करने से क्या फर्क पड़ेगा ये ग्राफ में, क्या तो ग्राफ तो ऐसा ही आएगा बट शिफ्टिंग किधर होगा। VCE का वैल्यू अगर हमने 5 वोल्ट कर दिया, लेट्स सो सपोज VCE को हमने कितना किया, कम कर दिया, 5 वोल्ट कर दिया, तो मुझे आप बताओ अगर VCE को हम कम कर देंगे, सुनना ध्यान से, अगर VCE को हम कम कर देंगे तो IC बढ़ेगा या घटेगा। अभी तो उड़ेंगे आप, VCE को कम करने से क्या होगा, VCE को कम करने से रिवर्स बायस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। अच्छा, VCE को कम करने से रिवर्स बायस बढ़ जाएगा, डू यू थिंक इन दिस वे लिटरली, देखो हम दिमाग से करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करते। देखो मैंने क्या किया है, पहले 10 था, है ना, दिमाग से करते हैं, देखो समझ के लेना, फिर मैं बोल रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है ये, बहुत डिफिकल्ट है, मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप इतना इग्नोर कर रहे हैं ना या झापड़ मारे आपको खींच के साइड में खड़ा करके, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके, ये अल्फा बीटा वाले बनेगा बस, वैसे आता भी यही है, ठीक है। तो VCE को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, मान लो VCE को मैंने कम कर दिया है, तो VCE को अगर मैं कम करूंगा, ये VCE, इसको मैंने कम कर दिया है, तो क्या VCB भी कम हो जाएगा, बोलो यार, है ना, अगर VCE को कम किया तो VCB भी कम हो जाता है, और VCB कौन से बायस में लगा है, VCB कौन सा बायस देता है, रिवर्स या फॉरवर्ड, रिवर्स बायस वाला है, रिवर्स बायस है ना, पक्का ना, ध्यान रखना CB जंक्शन किसमें था, अरे CB जंक्शन किसमें, बोलो रिवर्स में, हाँ रिवर्स बायस वोल्टेज है ये। अब ये कम हो गया तो देखो इसके कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, समझ ना, इसके कम होने से क्या हो जाता है, VCB के कम होने से क्या होता है, तो मैं आपके सामने फिर से ऐसे बनाता हूं, ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ज्यादा पूछते नहीं है बट आप लोगों का डाउट ना रह जाए दिमाग में, इसलिए बता रहा हूं। तो ये होता है E, ये होता है B और ये होता है C, और ये है आपका CB जंक्शन, ये रिवर्स बायस में है ना, सुना ध्यान से, तो क्या होगा यहां पर एक डिप्लेशन लेयर होगा, ठीक है ना। अब मान लो आप क्या करें, VCE को कम कर रहे हैं या बढ़ाते हैं, चलो बढ़ाने वाले से ज्यादा समझ में आएगा, VCE को बढ़ाएं अगर हम तो VCB भी बढ़ेगा, और VCB रिवर्स बायस है, तो मुझे बताओ ये जो डिप्लेशन लेयर है इसका थिकनेस बढ़ेगा या घटेगा, रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ता है सो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस बढ़ता है या घटता है, रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर घटता या बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। तो ये मान लो आप W1 है और ये मान लो आप W2 है, तो W2 बढ़ेगा या घटेगा, W2 क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो W1 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे देखो अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो W1 घट जाएगा, सो अगर W1 घटा, सुनना ध्यान से, W1 अगर घट जाएगा
तो फिर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी यहां पर रिकम्बाइन होने की ज्यादा होगी क्या डायरेक्ट उधर कूद जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कंबाइन ज्यादा होगी, कंबाइन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी या उधर कूदने की? सही से बता ना, यहाँ पे देखो आपको पता है अगर ये एनपीएन है ना तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव आता है, डिप्लेशन लेयर बताया, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। आई होप यू रिमेम्बर फ्रॉम पीएन जंक्शन। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर ये डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा 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 तो बी तो पहले से छोटा है ना, उस पर और डिप्लेशन लेयर का कब्जा हो गया तो होल्स बेचारे यहाँ पे सिकुड़ जाएंगे, बहुत सारे सारे के सारे होल्स इधर सिकुड़ जाएंगे, जितने भी होंगे दो चार ही हैं वो इधर सिकुड़ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं एनर्जी के साथ में, क्योंकि तो फॉरवर्ड बायस है। सो ईबी जंक्शन तो अभी भी फॉरवर्ड बायस है, सो ईबी जंक्शन अभी भी फॉरवर्ड बायस है, तो ये जा रहे हैं इधर भागेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ये होल के साथ रिकम्बाइन ज्यादा करेंगे या फिर डायरेक्ट कलेक्टर में चले जाएंगे? क्या लगता है आपको? रिकम्बाइन करेंगे। सही से सोच के बताना एक बार सर, W1 किसकी थिकनेस है वो बताना। W1 डिप्लेशन लेयर के बाद यहां से थिकनेस है, यहां से इस वाले के बीच की डिस्टेंस, यहां से मतलब अगर मैं अलग कलर से बनाऊं तो ये येलो वाला जो दिख रहा है ना आपको पोर्शन, ये W1 है। और समय के साथ क्या होगा, अगर VCB बढ़ेगा ना तो ये W1 छोटा होता चला जाएगा, तो ये W1 छोटा होता चला जाएगा। फिर मैं पूछ रहा हूं आपसे कि रिकम्बाइन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की या फिर वो आगे कूद जाएंगे? आगे कूद जाएंगे, आगे कूद जाएंगे। रिकम्बाइन होने की पॉसिबिलिटी क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि वो डिप्लेशन लेयर जब बढ़ेगी ना तो सारे के सारे होल जो है वो पहले पूरे बेस में फैले हुए थे वो बेचारे एक जगह पर पड़े रहेंगे साइड में, और इलेक्ट्रॉन आएंगे एकदम तेजी के साथ में, सो वो भाग जाएंगे इधर सी में जाने की उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे बताओ रिकम्बिनेशन कम होगा या ज्यादा होगा? रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? तो आई भी बढ़ेगा या घटेगा? आई भी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, आई भी घटेगा, आई भी घट जाएगा। अभी देखो इसको मैं लिखवा भी सकता हूं, लेकिन समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपकी खोपड़ी में जाना चाहिए हो क्या रहा है। सो रिवर्स बायस लगा देने से W2 बढ़ता है, W1 घट जाता है, W1 घट जाता है तो रिकॉम्बिनेशन की, इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इस वजह से आई भी घट जाता है, इस वजह से आई भी क्या होता है घट जाता है। यानी कि जब मैं VCE को बढ़ाऊंगा तो VCB भी बढ़ेगा लेकिन IB क्या होगा घट जाएगा। तो बताओ ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? ये ग्राफ अगर VCE को बढ़ाएंगे तो लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए या राइट में शिफ्ट होना चाहिए? लेट से VCE को 15 कर दिया हमने, आप बताओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं दिख रही, क्या बात कर रहे हो? अभी क्या होगा सर, मतलब वो ब्लैक बोर्ड वाला नहीं दिख रहा, डेस्कटॉप दिख रहा है सर, डेस्कटॉप दिख रहा है। बीमार हो गया, एक सेकंड रुको सर। डाउट था, पूछो क्या? पूछो 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 जल्दी सर। वो W2 बढ़ रहा है ना तो इसलिए वो कैसे जंप करेगा कलेक्टर में? W2 नहीं नहीं, आप क्या देखो, आप IC के बारे में मत सोचो अभी, आप सिर्फ IB के बारे में सोचो, रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी ये देखो आप। रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, तो IB घट जाएगा, IC का भी मत सोचो, IC बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, IC का मत सोचो, लेकिन रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी तो घट जाएगी ये सोचो बस। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो IB घट जाएगा। तो देखो ये पूरा लिंक है, VCE को बढ़ाया तो VCB बढ़ा, VCB बढ़ाने से क्या हो गया, रिवर्स बायस बढ़ गया, रिवर्स बायस जब बढ़ गया, रिवर्स बायस जब बढ़ गया तो वो डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, CB जंक्शन वाला डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, तो बेस पहले से छोटा था जिसमें होल्स थे, होल्स के लिए अभी कम जगह बच गई तो वो चिपक गए दीवार पे एक जगह, जब इलेक्ट्रॉन आए तेजी से तो वो होल के साथ अच्छे से रिकम्बाइन नहीं हो सके, उसकी वजह से आई भी घट जाता, ऐसे याद होना चाहिए, डिट्टो। इसको अर्ली इफेक्ट भी बोलते हैं, इसको इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है, अर्ली इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है?
अर्ली इफेक्ट, ये चैप्टर बहुत डेंजर है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप जितना लाइटली इसको लेंगे ना उतना ही आपको ये बाद में तकलीफ देगा। अभी तो सब कुछ मैं समझा दूंगा आपको, मैं बार बार नहीं समझा सकता हूँ, इसलिए इसको आप हल्के में मत लो। मुझे पता है थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं, मुझे पता है मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हैं, जितना थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स इंपॉर्टेंट है ना उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइट चैप्टर होता तो मैं बोलता चलो ईएमआई होता तो मैं बोलता कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन है इससे, इसलिए मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ इसको, आप भी मत लो लाइटली इस चैप्टर, और आप थ्योरी पढ़ेंगे ना इसकी तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। तो आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो उसको, तब तक मैं बोर्ड खोल रहा हूँ, कि जब बीसी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, बीसी बी बढ़ेगा। सर आवाज भी बहुत आपकी, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आज कितनी तारीख है? नौ तारीख है ना? वो सब आपने लिखा था या नहीं? हाँ? नहीं। कहां तक लिखा था? लिखा था कहां तक लिख लिया था बोलो, फिर लिख दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। W2 बढ़ेगा तो फिर W1 घटेगा। हाँ तो फिर क्या लिख लिया ना, फिर क्या लिखेगा? बाकी जिसने नहीं लिखा है वो जगह छोड़ दो, वीडियो से देख के लिख लेना, स्क्रीन तो खुली हुई थी ना, आप क्यों नहीं लिख रहे थे? अभी वो गायब हो गया, मैं क्या करूं, अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच का ग्राफ है? इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज। हाँ, यानी कि इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज। इनपुट करंट कौन था यहाँ पर? आईबी। और इनपुट वोल्टेज क्या था? VB। किसको कांस्टेंट मान के कंसीडरिंग? VCE कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, यानी कि VCE को कांस्टेंट माना। तो कौन सा बायस था? EB जंक्शन कौन से बायस में था? फॉरवर्ड बायस में। तो IB और VB के बीच का ग्राफ कैसा आ जाएगा? कैसा आता है? बिल्कुल एकदम जैसा फॉरवर्ड बायस का। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये नहीं वोल्टेज, और ये हमने निकाला था VCE बराबर 10 वोल्ट के लिए, फिर हमने VCE को बढ़ाया था, तो एक रिलेशन था हमारे पास VCE बराबर VBE प्लस VCB, ऐसे ही था ना? VCE को बढ़ाया था तो क्या बढ़ गया था? VCB बढ़ गया था। VCB बढ़ने से क्या हो जाता था? रिवर्स बायस बढ़ा। रिवर्स बायस बढ़ जाता था, ये इमीटर, ये बेस और वो कलेक्टर। सो ये W1 बनाया था मैंने शायद से, है ना? और ये W2, isn't it? नहीं, उल्टा। उल्टा था क्या? हाँ सर। उल्टा था क्या? ये W1 और ये W2। हाँ सर। ठीक है, तो जैसे ही VCB बढ़ेगा तो W2 बढ़ेगा, और W1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी।
तो आई भी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, आई भी घट जाएगा। तो बस मैं यही बोल रहा था कि आई भी घटेगा तो ये ग्राफ किधर ट्रांसफर होगा? तो देखो आई भी घटने के लिए ग्राफ ऐसे ट्रांसफर होगा, आई भी घट गया। एक पर्टिकुलर वीबी के लिए आई भी घट गया है, एक पर्टिकुलर वीबी के लिए आई भी क्या हो गया? घट गया, क्योंकि हमने वीबी को कॉन्स्टेंट मान के किया है। क्योंकि वीसी बढ़ेगा तो वीसी भी कब बढ़ेगा? जब वीबी को क्या मानेंगे आप? कॉन्स्टेंट, तभी तो ऐसा हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर वीबी के लिए, सुन लेना ध्यान से, क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज के लिए आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पर बेस करंट घट जाता है, ऐसे देगा क्वेश्चन, तोते उड़ जाएंगे आप लोग। एक पर्टिकुलर वीबीई के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज के लिए वीसीई को बढ़ाने पर आई भी घट जाता है। ये देखो आप, ये घट गया, पहले ज्यादा था अभी ये घट गया है। और उल्टा करेंगे तो क्या होगा? उल्टा मतलब घटाएंगे। अगर जैसे मान लो 5 वोल्ट ले लिया आपने, ये 5 वोल्ट ले लिया, वीसी बराबर 5 वोल्ट, तो एक पर्टिकुलर वीबी के लिए वीसी को घटाने पर आई भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। सो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहां पे बढ़ जाएगा, आई बी भी बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बेटा, एक पर्टिकुलर वीबीई के लिए, सुन लेना, एक पर्टिकुलर वीबीई के लिए आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने पर आई बी का क्या होता है? तो आई बी घट जाता है, और कम करने पर बढ़ जाता है, उल्टा भी आता है। एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज के लिए, एक पर्टिकुलर आउटपुट वोल्टेज के लिए, वो आउटपुट सर्किट में देखेंगे, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये आई बी घड़ी आप देख रहे हैं जैसे कि, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ज्यादा है आई बी। सो ये सब एक्चुअली क्या है? समझने वाली बातें मतलब, ये किताबों में भी लिखा है, सब किताबों में भी ऐसे बनाया है, बट इतना अच्छे से समझाया नहीं है। और क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी नहीं बताया, बट मैं आपको बता रहा हूँ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ है आई बी और वी बी के लिए, जब वी सी को कॉन्स्टेंट मान के हमने 3 ग्राफ निकाले हैं। वी नी तो सेम ही होगा तीनों के लिए, तो वी नी को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, वी नी को सेम बनाना, या फिर आप समझ लेना वी नी सेम है, क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो ये हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आएगा? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आएगा। अच्छा, कट ऑफ रीजन में क्या होता है? कट ऑफ रीजन मैंने बताया था, कट ऑफ रीजन में क्या होता था? वी इनपुट कम होता था, किससे? वी नी से। तो आई बी लगभग क्या रहेगा उसमें? जीरो। आई बी क्या रहता है उसमें? जीरो इनपुट करंट, है ना। तो ये हो गया हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। मुझे पता है आपके तोते उड़ रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो और तोते उड़ेंगे इसमें आगे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को देखो, सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस किस के बीच में ग्राफ होगा? प्लॉट बिटवीन आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट क्या है? आईसी। अच्छा, यहां पर अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा तो आप निकाल लेंगे क्या? रेजिस्टेंस होगा डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये कौन सा रेजिस्टेंस है? डायनेमिक। कौन सा रेजिस्टेंस है? डायनेमिक रेजिस्टेंस। और इसको आरएफ लिखते हैं, आरएफ। आरएफ क्यों लिखा, कौन बता सकता है मुझे? आरएफ का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बायस है यही आरएफ ही आर इन होता है एक्चुअली। सो डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी, इसको डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलेंगे, डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस या डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन आएगा ऐसे तो आपको ऐसे करना है उसको। तो देखो यहां पर आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज कौन होगा बेटा? वीसी। अब यहां पे किसको कांस्टेंट मान के करना पड़ेगा?
कंसीडरिंग इनपुट करंट कांस्टेंट, इनपुट करंट को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना. इनपुट करंट कौन है, आईबी. आईबी सो आईबी को कांस्टेंट मानते हुए आपको प्लॉट निकालना होगा किस किस के बीच में. किसके बीच में बोलो, आईसीओ और वीसीई. वीसीई ये वोल्ट में आता है और ये कौन से एम्पियर में आएगा, मिली एम्पियर में, है ना. तो देखो इसका कुछ ग्राफ आता है, मैं आपको बताता हूँ. सो जब आप धीरे धीरे वीसीई को बढ़ाएंगे तो आईसी बढ़ेगा, आईसी बढ़ता है. तो सबसे पहले हम आईपी बराबर जीरो के लिए निकालते हैं. सो आईपी बराबर जीरो के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आता है. आईपी बराबर जीरो, आईपी बराबर जीरो कौन सा रीजन है, आईपी बराबर जीरो कौन सा रीजन होता है, कट ऑफ रीजन. कट ऑफ, तो ये कट ऑफ है, कट ऑफ रीजन. आईपी में कट ऑफ रीजन होता है. और कट ऑफ रीजन में क्या होता है, दोनों ही जंक्शन रिवर्स बायस में रहते हैं, यानी कि बोथ, क्योंकि करंट आता ही नहीं है, ये ऑलमोस्ट जीरो है आईसी, ऑलमोस्ट जीरो है, ये रीजन जो बना है बहुत बड़ा नहीं है. सो बोथ जंक्शन, कौन कौन से जंक्शन, बोथ ईबी एंड सीबी जंक्शन आर रिवर्स बायस. बोथ ईबी एंड सीबी जंक्शन आर रिवर्स बायस होते हैं इसमें. यहां आ जाओ, अब आईबी को थोड़ा बढ़ाओ. सो आईबी को थोड़ा बढ़ाया मतलब आईबी को कुछ लिया, लेट से आईबी मैंने लिया इस बार, कुछ भी ले सकते हैं आप. जैसे मैंने ले लिया 2 माइक्रो एम्पियर आईबी को कॉन्सेंट. तो ग्राफ जब देखा मैंने तो ग्राफ ऐसा ही आया, लेकिन थोड़ा ऊपर उठ गया, ऐसे उठ गया. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आईबी के लिए मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर आईसी मिल गया. फिर मैंने आईबी को थोड़ा और बढ़ाया, 4 माइक्रो एम्पियर किया, तो ये थोड़ा और बढ़ गया, ऐसे ऐसे बढ़ गया. थोड़ा सा और सही करता हूं इसको, ऐसा कुछ ही रहता है ये. अब होता क्या है ना, यहां पर आपको ये फॉर्मूला पता रहेगा शायद से. देखो आपको मैं बीटा का फॉर्मूला बताता हूं. बीटा का फॉर्मूला क्या था, आईसी अपॉन आईबी. तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलो बोलो बोलो. हाँ तो ये वैलिड है, लेकिन कौन से रीजन में, एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में वैलिड है, क्योंकि बीटा करंट गेन है. तो एक्टिव रीजन ये वाला है, ये जो रीजन है ना, ये एक्टिव रीजन. इसमें एम्प्लीफिकेशन होता है, जैसे मान लो कि 2 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया 20 मिली एम्पियर और 4 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया 40 मिली एम्पियर. तो ये आईसी बराबर बीटा एबी यहां एक्टिव रीजन में वैलिड होता है. एक्टिव रीजन मतलब कब, मैंने बोला था ना ट्रांसफॉर्मर कब एक्टिव होगा, जब कौन सा जंक्शन कौन से बायस में होगा, एबी जंक्शन बैंड बजता है. एक्चुअली बैंड कैसे बजता है ना, इसमें इसमें वीसी बहुत लो होता है, इसको बोलते लो वीसी रीजन. लो वीसी होने से क्या है, गड़बड़ हो जाता है, वीसी भी लो हो जाता है. आप भी बताया था ना आपको, देखो 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 देखो, वीसी कम होगा तो क्या वीसी भी कम हो जाएगा. तो रिवर्स बायस कम हो जाएगा ना. सो रिवर्स बायस कम हो जाता है, सो रिवर्स बायस कम हो जाता है की वजह से क्या होता है, गड़बड़ ना. वीसीई और वीसीबी कम हो जाने की वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होता है, वो वीसीबी कम होते होते ऐसे पहुंच जाता है कि फॉरवर्ड में चला जाता है. इतना कम हो जाता है वो वीसीबी, इतना कम हो जाता है कि वो फॉरवर्ड बायस में चला जाता है. मैं आपको बताऊं वो फॉरवर्ड बायस में कब जाएगा, व्हेन वीसी
ई का जो वैल्यू है ना वो नी वोल्टेज से कम हो जाएगा ना, नी वोल्टेज चाहिए था, अब नी वोल्टेज से भी वो कम है, आउटपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से भी अगर कम हो जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, सीबी जंक्शन किसमें चला जाता है, रिवर्स बायस, रिवर्स नहीं फॉरवर्ड बायस, और अगर वो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा तो फिर आपको कुछ भी करंट वहां पे मिलने वाला नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं होगा उधर, वो काम नहीं करेगा, तो इस रीजन को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन कहते हैं। तो सैचुरेशन रीजन में क्या होता है, बोथ ईबी एंड सीबी जंक्शन आर इन फॉरवर्ड बायस, कौन से बायस में होते हैं, फॉरवर्ड बायस। तो ये होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो तीन रीजन आपने देखे अभी, कौन कौन तीन रीजन है, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन। कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ में दोनों रिवर्स में, सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड में, एक्टिव में ईबी फॉरवर्ड में, सीबी रिवर्स में, ऐसे याद रखना होता है। और एक ग्राफ आता है बार बार, आईबी पर आईसी बराबर बीटा आईबी से एक्टिव रीजन में वैल्यू है, अदरवाइज वीसी बराबर आईसी बढ़ता है। लिख लो, बना लो आराम से। सर अभी आप क्या बोल रहे, रिपीट करो प्लीज। किसको, अभी जस्ट मैंने यही बोला, तीन रीजन होते हैं, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन। कट ऑफ रीजन में दोनों फॉरवर्ड में होते हैं, सॉरी दोनों रिवर्स में होते हैं, एक्टिव रीजन में एक फॉरवर्ड में, दोनों फॉरवर्ड में, सॉरी एक फॉरवर्ड में एक रिवर्स में होता है, और सैचुरेशन में दोनों फॉरवर्ड में चले जाते हैं। कट ऑफ रीजन में आईबी ऑलमोस्ट जीरो, आईसी भी ऑलमोस्ट जीरो होता है ना, और इधर कौन सा ये एक्टिव रीजन में आईसी बराबर बीटा एबी वैलिड है, आईसी बराबर बीटा एबी इज ओनली वैलिड फॉर एक्टिव रीजन। एंड सैचुरेशन में क्या हो जाता है, सैचुरेशन में आईसी बहुत ज्यादा हो जाता है, आईबी अलग अलग वैल्यू हो सकता है, तो सैचुरेशन इधर आता है। सैचुरेशन में क्या होता है ना, आपका जो वीसी है वो बहुत लो रहता है, तो वीसी कम रहेगा तो वीसीबी भी कम रहेगा, और वीसीबी कम होते 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 क्या हो जाता है, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। ये सब लिखा हुआ है मटेरियल में जो मैंने आपको दिया है ना, अलग से वर्क वर्ड फाइल, उसमें सब लिखा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं उसका थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको खोपड़ी में रखना है। अभी आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस डेल्टा VCE अपॉन डेल्टा IC, डायनेमिक रेजिस्टेंस। सर लिख लिया हो तो बोल देना, चलेंगे फिर आगे। हो गए सर। अगर इसको आप रोज का रोज नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उड़ जाएगा दिमाग से, और 7 दिन बाद जब आप पढ़ेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट लिखो, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अभी आपको समझ रहा होगा कि इस चैप्टर को लास्ट में क्यों रखा, कितने लोगों को समझ गया कि इस चैप्टर को लास्ट में क्यों रखा गया है, मुझे समझ। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, अभी तो पूरा भी नहीं हुआ, ये देखते जाओ बस, है ना। ये यहां पे भी कौन सा वाला हम लोग यूज करेंगे बेटा, कॉमन, कौन सा, कॉमन इमीटर। तो कॉमन इमीटर की दो इक्वेशंस क्या क्या आ गई थी, वी इनपुट की इक्वेशन क्या आई थी, वी बी बी माइनस आई बी आर एफ, और बी आउटपुट क्या आ गया था,
VCC माइनस ICRL. RL क्या है? लोड रजिस्टर है. RL क्या है? लोड रजिस्टर है. कहां लगता है ये? आउटपुट में या इनपुट में? लोड रजिस्टर आउटपुट में. आउटपुट में लगता है. तो आपने देखा होगा ऐसे था ये ग्राफ कुछ कुछ. फिर से पूरा बनाने की जरूरत नहीं एक्चुअली. तो ये लोड रजिस्टर होता है. तो हम क्या करेंगे ना, देखो स्विच क्या करता है. स्विच क्या करता है ना, ऑन ऑफ करता है सर्किट को. आपने देखा होगा ना, की देखा होगा, की आपने किसी सर्किट में ऐसे की देखा होगा या फिर ऐसे स्विच देखा होगा. देखा क्या आपने? ये होता है स्विच और ये होता है की. तो ट्रांजिस्टर को इसकी तरह यूज कर सकते हैं. सर कैसे करते हैं वही हम आपको बताएंगे, वही हम आपको बताएंगे. तो देखो सबसे पहली बात यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी सर्किट हमको लगाना इधर लगा देंगे हम. चाहे बल्ब लगाना हो, फैन लगाना हो, एसी लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, इधर हम आरएल के अगेंस्ट क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे. यानी कि हम क्या कर रहे हैं ना, आरएल के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगा, सो वोल्टेज अक्रॉस आरएल, वोल्टेज अक्रॉस लोड is taken as output for remaining circuit. So load के across जो भी voltage आएगा ना, drop, voltage drop जो भी आएगा उसके across, वो हम क्या मानेंगे? Output मानेंगे. अब अगर ये आउटपुट जो भी आया, ये जो आउटपुट आएगा ये जीरो आ जाएगा, यानी कि ये आउटपुट को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ICRL. क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम? ICRL. तो ICRL अगर जीरो आ गया, ICRL अगर जीरो आ गया तो समझ जाने का कि ये कौन सा सिचुएशन है, ऑफ. और जीरो नहीं आया तो, जीरो नहीं आया तो कौन सा है? ऑन. ऐसे करना होगा इसको. तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले देखते हैं कट ऑफ रीजन के लिए. कट ऑफ रीजन के लिए, सो कट ऑफ रीजन में क्या होगा? कट ऑफ रीजन में क्या होता है बेटा? कट ऑफ रीजन में हमारा वी इनपुट कम होता है किससे? नी वोल्टेज से. तो आई बी क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है. आई बी जीरो होगा तो, अब जब आई बी नहीं आ रहा तो आईसी कैसे आ जाएगा? आईसी भी ऑलमोस्ट जीरो होगा. और आईसी जीरो होगा तो वी आउटपुट किसके बराबर आएगा? ये वाला वी आउटपुट, ये वाला वी आउटपुट अलग है, इसको आप वी डैश आउटपुट लिख लो. क्योंकि ये किसके अक्रॉस आउटपुट है? लोड के अक्रॉस. और जबकि ये वाला आउटपुट किसके अक्रॉस है? पूरे ही आउटपुट सर्किट के अक्रॉस. कंफ्यूज मत हो जाना दोनों आउटपुट में. ये आउटपुट लोड के अक्रॉस लिया है और ये ट्रांजिस्टर के आउटपुट है. नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे. सो वी आउटपुट यहां पर कितना आ जाएगा फिर? आईसी को जीरो कर देंगे तो, आईसी को जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ वीसीसी बचेगा. और जब ये सिर्फ वीसीसी बचेगा तो आईसीआरएल को कितना होना पड़ेगा? जीरो. तो आईसीआरएल जब जीरो होगा तो क्या होगा? सर्किट ऑन या ऑफ? स्विच इज ऑफ. तो स्विच ऑफ हो जाता है यहां कट ऑफ रीजन में. कट ऑफ रीजन में स्विच क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है. कट ऑफ रीजन के बाद क्या आता है? एक्टिव रीजन. बट एक्टिव रीजन में हम नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट कौन से रीजन में चलेंगे? सैचुरेशन. कौन से रीजन में चलेंगे बेटा? सैचुरेशन रीजन में. तो सैचुरेशन रीजन में क्या होता है ना, आपका जो आउटपुट है वी आउट, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है. ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? जीरो. और जब V आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा सैचुरेशन रीजन के लिए, V आउटपुट मतलब VCE. अरे आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैंने बोला था ना VCE बहुत कम हो गया. अभी सुना होगा आपने, देखो इधर आओ, इधर आओ, इधर. मैंने बोला देखो लो VCE रीजन है ये. लो VCE का मतलब VCE बहुत कम हो गया सैचुरेशन रीजन. तो VCE को ऑलमोस्ट जीरो मान लिए. सो जैसे ही आप VCE V आउटपुट को ऑलमोस्ट जीरो मानेंगे, VCC किसके बराबर आ जाएगा? ICRL. और ICRL क्या आ जाएगा? मैक्सिमम.
जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। ये ICRL का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में स्विच ऑफ या ऑन? ऑन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर स्विच ऑन और ऑफ की तरह काम करे तो कौन से रीजन में काम करना चाहिए आपको? कट ऑफ और सेचुरेशन में। कट ऑफ रीजन में रहेगा तो ऑफ रहेगा, और सेचुरेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। मजेदार रही है। तो ऐसे काम करता है ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। इसका ग्राफ भी आप बनाना चाहें, एक ग्राफ इसमें बहुत फेमस है, वो ग्राफ मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन यार आप लोग रोज का रोज पढ़ लो भाई, नहीं तो मेरी मेहनत है ना ये सारी, जितनी मेहनत में डाल रहा हूँ, एफर्ट डाल रहा हूँ ना, वो सब बेकार हो जाएगा। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, हम लोग ग्राफ बनाते हैं वी इनपुट और वी आउटपुट में। तो वी इनपुट क्या था हमारा? वी सी वी बी, और वी आउटपुट क्या था? वी सी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। कट ऑफ रीजन में तो कैसा आ जाएगा? वी आउटपुट किसके बराबर आ जाएगा कट ऑफ रीजन में? कट ऑफ रीजन में कैसा आएगा? वी सी सी के बराबर आ जाएगा। तो मान लो ये वी सी सी है, तो कट ऑफ रीजन में तो ये ऐसा आ जाएगा ऑलमोस्ट। कट ऑफ रीजन में, कट ऑफ रीजन के बाद क्या होगा? एक्टिव रीजन में ड्रॉप होता है ये, क्योंकि एक्टिव रीजन में क्या होगा? ये बढ़ेगा, एक्टिव रीजन में ये बढ़ता है। तो VCC तो कांस्टेंट है, याद रखें VBB एंड VCC कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये बैटरीज किस चीज के काम आती है? सिर्फ यूज्ड ओनली फॉर बायसिंग। अब ये जो पढ़ता उसको याद रहेगा, जो नहीं पढ़ता उसको याद नहीं रहेगा। VCC और VBB को सिर्फ बाइसिंग के काम लेते हैं, वो कांस्टेंट वोल्टेज बैटरीज है, लेकिन ये वेरी करता है ICRL। तो जब आप एक्टिव रीजन में रहेंगे तो IC बढ़ेगा घटेगा? एक्टिव रीजन में, एक्टिव रीजन में IC बढ़ता है, और अगर IC बढ़ेगा तो V आउटपुट क्या होगा? घटेगा। तो इसीलिए एक्टिव रीजन में V आउटपुट घट रहा है, और फिर क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो। देखो यहां पर मैं हमेशा ऑलमोस्ट यूज कर रहा हूं, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों हमेशा ऑलमोस्ट यूज करता हूँ। ये भी एक्चुअली ऐसा आएगा। अगर मैं आपको सही से बताऊं, रियलिटी बताऊं ना, रियलिटी तो ये VCC भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता, ये भी कुछ ऐसा होता है, ऐसा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है ये, नॉट एग्जैक्टली कांस्टेंट। एंड द रीजन बीइंग इज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मे क्रिएट सम ट्रबल फॉर अस। सो ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है। अब मुझे बताओ कौन सा रीजन कौन सा वाला है? ये कौन सा रीजन है? ये कट ऑफ रीजन है। और ये कौन सा रीजन है? ये सेचुरेशन है। और बीच वाला रीजन कौन सा है? एक्टिव है। और देखो ये नी वोल्टेज होगा, यस और नो? क्योंकि नी वोल्टेज से कम जब रहता है वी इनपुट, तभी हमको क्या मिलता है? कट ऑफ मिलता है। बना लो इसको, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, स्विच की तरह ऐसे काम करता है वो। आप समझिए यार, लेवल को समझिए थोड़ा सा, चैप्टर के लेवल को ऐसे हल्के में मत ले लीजिए आप उसको। ये टाइम के साथ ये टफ हो जा रहा है आपके साथ। पहले आपने देखा कि पीएन जंक्शन से पहले क्या देखा हमने? एक्सट्रिंसिक देखा, इंट्रिंसिक देखा, मजा आ रहा था, एक्स्ट्रा होल आ गया, सीबी आ गया, वीबी आ गया, बहुत अच्छी बात थी। धीरे धीरे टफ हुआ, पीएन जंक्शन आया, उसका वर्किंग प्रिंसिपल आया, पीएन जंक्शन का बाइसिंग आया, बाइसिंग में और टफ हो गया, बाइसिंग के बाद फिर उसकी डिफरेंट डिफरेंट फोटोडायोड, सोलर सेल, एलईडी, जीनर डायोड, रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर के बाद फिर आया ट्रांजिस्टर, ईवीसी आया, ट्रांजिस्टर के बाद उसमें 6 कॉन्फ़िगरेशन आए, 6 कॉन्फ़िगरेशन के बाद अल्फा बीटा आया, उनके सर्किट डायग्राम्स आए, उसके बाद ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज करें वो आया, सीबी यानी कि कॉमन बेस और कॉमन इमिटर को देखा हमने, फॉर्मूले देखे, फिर हमने फॉरवर्ड रिवर्स सॉरी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को समझा आज, फिर लास्ट में हमने स्विच की तरह उसको समझा, कौन सा कट ऑफ रीजन होगा, कौन सा सेचुरेशन होगा, सेचुरेशन में कौन किस बायस में जाएगा, कट ऑफ में कौन किस बायस में जाएगा, ये अर्ली क्या बोलते हैं उसको, अर्ली इफेक्ट क्या होता है, W1 क्या है, W2 क्या है, रिवर्स बायसिंग से क्या फायदा है,
ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है ना आप लड़खड़ा जाएंगे इसमें 110%। सो मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है दोनों हाथ जोड़ करके, इस चैप्टर को आप जितना लूज छोड़ेंगे ना उतना ज्यादा ही आप डरेंगे इससे, उतना ज्यादा ही डरेंगे आप। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, इसके बाद कल हम इसका लास्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर, देन वी विल गो टू बुलियन अलजेब्रा, और फिर हम लॉजिक गेट देखेंगे। सो ये चैप्टर अभी 2-3 दिन का और है बस, ओनली 2-3 मोर डेज और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, अभी इसमें कुछ ज्यादा नहीं बचा है। ट्रांजिस्टर ही एक सबसे डिफिकल्ट टॉपिक रहता है इस चैप्टर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांजिस्टर डिफिकल्ट क्यों है। ठीक है, सो ट्रांजिस्टर कल खत्म कर देंगे हम लोग, और फिर कल ही हम लोग बुलियन अलजेब्रा सीखेंगे, बुलियन अलजेब्रा की एनालॉग को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है, डिजिटल को एनालॉग में कैसे कन्वर्ट करना है, देन वी विल गो टू लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स भी एक दिन का है, तो मैक्सिमम 2-3 दिन और लगेंगे इस चैप्टर को खत्म करने में मुझे, तो आपको पता नहीं कितना लगेगा, पर मुझे जिसका पेंडिंग है उसको तो बहुत टाइम लगेगा, मुझे 2-3 दिन और लगेंगे। सो बिफोर 15 यानी कि इस वीक खत्म होते होते सिलेबस खत्म है, ये वीक खत्म होते होते आपका सिलेबस खत्म है 110%। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, आज बर्थडे भी है, बर्थडे है किसी का तो भी कौन है, गौरव अर्सुल, निखिल सिंडे, निखिल सुनील सिंडे या क्या, पूरा नाम बोलो।